जब तक परिपक्वता नहीं आती तब तक खुशबू ही नहीं आती। परिपक्वता आना जरूरी है। जब तक ये ऐसा है ना, इसकी स्थिति जब तक ऐसी है तब तक इसको सुरक्षा की आवश्यकता है। ये तब तक खुशबू नहीं दे सकता जब तक इसकी फेंसिंग, इसको पानी, इसको खाद, सूर्य का प्रकाश देकर रुष्ट पुष्ट ना किया जाए। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अपने आप की रक्षा जब खुद कर लेगा, अभी ये खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा तो इसको बाढ़ की ज़रूरत है ना, हमें रक्षा करनी है। जब ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, जब ये खुद की रक्षा करने लग जाए तब फिर बढ़ते बढ़ते अपने आप विकास की ओर जब यात्रा करता है और ये परिपक्व अवस्था में प्राप्त होता है तब जाके खुशबू फैलाता है। अभी से खुशबू की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारे मन की स्थिति भी है। जब तक छोटा है, बालक है, जब तक संसारी भोग, आसक्ति, तृष्णा, विकार में रुचि है, तब तक छोटा दिमाग है, छोटा मन है, तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कैसे? संगति से। कोई व्यक्ति ऐसा ना मिल जाए जो हमारी कोमलता को, हमारे ईश्वर प्रेम को, गुरु के प्रति लगाव को, सत्संग की रुचि को कोई खत्म ना करे। तब तक बाढ़ की जरूरत है ना, तब तक संगति का, विचारों का, श्रवण का। संगति मतलब संगति करोगे तो सुनोगे भी ना, कान बंद तो नहीं करोगे। कई बार आदमी आँख हटा सकता है कहीं से, कान नहीं हटा सकता। एक बार कुछ ना देखने जैसा दृश्य हो तो आदमी सिर घुमा सकता है, पर कान तो खुले रहते हैं। तो हम कितने प्रकार की बातें सुनते हैं और हमें नहीं पता कि जो व्यक्ति हमें जो कुछ कह रहा है उस कहने के पीछे उस हर व्यक्ति स्वार्थी है। स्वार्थ से दुनिया बनी है, है ना। एक भगवान और महापुरुष ऐसे हैं जो आपसे ऐसा कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध करवा। उन्हें स्वार्थ एक ही है कि आपका कल्याण, आपका भला हो। अपने लिए कोई स्वार्थ, जो मनुष्य आपसे बातचीत करता है, जो संबंध बनाता है, जो संबंध रखता है, वो किसी न किसी स्वार्थ से रखेगा। हमारी मति बहुत छोटी है, हम सोच नहीं सकते कि कोई व्यक्ति हमसे क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। और कुछ ना कुछ संस्कार हमारे चित्त में बिना चाहे भी ऐसे स्थापित हो जाते हैं कि आगे चल के हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ये बोला था, सही कह रहा था, कुछ पढ़ा नहीं है इस मार्ग में। देखो हम लोग कितनी मौज कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर कभी कोई दुख आएगा तो आपको वो वाली चीज़ रिलेट करेगी कि सही कह रहा हूँ, और फिर आप पथ भ्रष्ट हो गए और भटक। एक ही विचार था, एक ही वाक्य था उसका, जो आपके चित्त को झकझोर देता, कोई स्थिति आती है और विचलित कर देता। इसीलिए जब तक शास्त्र कहते हैं जब तक कि परिपक्व अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ है साधक, तब तक संग दोष से दूर है। संग दोष सबसे बड़ा दोष अगर कोई है तो संग का दोष। क्योंकि हमारा मन तो वैसे भी चाहता संसार के भोग ही है, जब उसे सहज छोड़ दो तो नीचे गिरने की इसकी आदत ही है। जैसे जल स्वाभाविक छोड़ दो तो कहाँ जाता है, नीचे की यात्रा ही करता ना। पर अगर इसको लाखों के उपयोग के लिए बनाना, करोड़ों के उपयोग के लिए बनाना, तो फिर इसको पंप डालना पड़े, पंप से नगर पालिका डैम वहाँ तक पहुँचाना पड़े, डैम में इसको बांध के रखना पड़े, तब फिर बिजली भी उत्पन्न करता है और करोड़ों लोगों तक पहुँचता ही है। आपके घर में जो पानी आता है वो चलता हुआ पानी नहीं आता, नीचे बहता हुआ पानी नहीं आता। आप उसको स्टोर करते हो, वो कहीं तो स्टोर हो रहा है, कहीं तो पंप से खींचा जा रहा है, आपके वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से आ रहा है और पंप से खींच कर स्टोर किया जा रहा है, तब जाके आपके परिवार को उपयोग होगा ना। तो मन भी ऐसा ही है कि मन का सहज स्वभाव है
नीचे की ओर बह जाना। तो ऐसी अगर जिस दिन संगति मिल गई, हम बहुत सहज में नीचे की ओर जाएंगे। और अगर इसे कल्याणकारी बनाना, उपयोगी बनाना, तो फिर इसको बांध चाहिए, स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ से? तो ऐसी सब वृत्तियों से एक जगह पर आके स्थिर करना, और फिर पुरुषार्थ के द्वारा आप उसे खींचेंगे और कृपा प्राप्त होती है। तब कृपा के दायरे में इंसान रहकर करोड़ों को स्वयं का भला करता है, दूसरों का भला करता है। तो तब तक ही फेंसिंग की जरूरत है जब तक कि पौधा छोटा है। आप लोगों को इसलिए बहुत प्यार करते हैं हम आपको। क्यों करते हैं पता? क्योंकि आप इस वास्ते चले तो हो, उनसे तो श्रेष्ठ हो जो चलते ही नहीं। दूसरा हम इसलिए भी करते हैं कि भगवान ने आपका चयन किया है, आप में कोई बात है कुछ तो है जो आप यहाँ तक पहुँचे। नहीं, कौन आजकल भोगा सकती के इस युग में जप करना पसंद करता है? आप करते हैं, आपको गुरु मिले, प्यार करने के काबिल आप इसलिए भी हैं कि आपको सत्संग बातें सुनने को मिली, प्यार करने के काबिल आप इसलिए भी हैं कि आपको वो पासपोर्ट तो मिल गया कि कभी भी वीज़ा का ठप्पा लगा और चल दो, है ना? तो आप लोग इंटरनेशनल यात्रा करने के अधिकारी हो, इसीलिए आप प्रेम के काबिल हैं, है ना? तो कभी भी अपने आप को दूसरों को देखकर डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए वैसे हैं क्योंकि वो आप जैसे नहीं बन पाए, तो उनको वही मार्ग चयन करना पड़ा। उनमें अगर सामर्थ्य होती तो वो भी करते, पर उनमें वो सामर्थ्य नहीं है। आप में है, आप में है। वो शराब नहीं छोड़ सकते, व्यभिचार नहीं छोड़ सकते, वो दास है। बहुत छोटी छोटी पान मसाले गुटखे के छोटी छोटी चीज़ों के दास हैं हम। उस दासत्व से मुक्त हुए तो हम आगे की श्रेणी में हुए। तो दूसरों को देखकर कभी भी अपने साधन को दूषित नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अपन ने तो ईश्वर के रास्ते पर है, सत्संग सुनते हैं, ये हमसे ज़्यादा सुखी है, इससे तो अपन ऐसे होते थे। बेटा, आप जहाँ है ना वहाँ वो नहीं पहुँच सकते, इसीलिए आप अलग हो, वो अलग, आप उनसे श्रेष्ठ हो, है कि नहीं? और अगर दुख आते हैं तो ये बात सही है, जो सज्जन होते हैं उनको ज़्यादा दुख आते हैं, क्योंकि आपकी पसंद श्रेष्ठ है ना। तो अर्जुन पांडवों को कितने दुख आए, फिर भी उन दुखों के चलते कभी अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे नारायणी सेना चाहिए। सोचते इस अकेले को लेके मैं करूँगा क्या, मेरे लिए तो निकम्मा है, मेरे लिए तो निकम्मा है, जब अगर शस्त्र ही नहीं उठाएगा मैं क्या करूँगा इसका। युद्ध करना है मुझे, और युद्ध में शस्त्र उठाना ज़रूरी है, ना कि बैठे रहना टक 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 करना। कोई भी चला लेता घोड़ा, घोड़ा कोई भी सारथी चला, इतने इतने महाभारत के युद्ध में इतने रथी, महारथी, अतिरथी थे, इतने के सारथी होंगे कोई ना कोई। तो सारथी मतलब कितना वो ड्राइवर ही वैसे, कितना घटिया काम है वैसे। पर अगर उसके हाथ में आपकी बागडोर है तो निश्चित ही आपकी विजय है, क्योंकि उसके हाथ में था। सारथी कौन है? भगवान है स्वयं। तो निर्णायक स्थितियों में दो चीजें, दो राहें होती हैं, हम या इधर जाएं या हम उधर जाएं, हम या संसारी सुखों का चयन करें या भगवान को। उसमें भी सुख मिलने, राज्य मिला ना, स्वतंत्र राज्य मिला, पराधीनता से मुक्त होकर। अर्जुन मना कर रहा था मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा ऐसे राज्य को भोग के जब मेरे बंदे मर जाएं सारे।
दादा ना रहे, पिता ना रहे, माता ना रहे, ये ना रहे, वो ना रहे, भाई ना रहे, बंधु ना रहे, उनका क्या? खाली उस पर पत्थरों पे संचालन करूंगा मैं? नहीं चाहिए मेरे को ऐसा राज्य। संन्यास लेना स्वीकार करता हूँ, पर युद्ध करना स्वीकार नहीं। आए चुप, लड़ेगा तू, लड़ेगा और अधिकार भी दिलवाया। वैसे एक नियम होता है कि जो जीतता है राज्य उसी का होता है। पूरा युद्ध आप क्या समझ रहे हो, अर्जुन ने जीता, कृष्ण ने जीता। अगर वो नहीं होते तो अर्जुन कुछ भी नहीं। ठीक है, जयद्रथ का सिर काट, सूर्य को रोक देना, क्या अर्जुन के बस की बात थी? तुम लोग ना सारा दिन बस प्रण करने में होशियार हो, बाद में मेरे सिर पर आता है सारा। चल अब चला तीर, केशव सूर्यास्त हो रहा है, नहीं होगा तू चला। बादल 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 बादल, उस गति को रोक देना वो कृष्ण की ताकत है। समय को रोक देना कृष्ण की ताकत है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ईश्वर की शरण को स्वीकार करते हैं तो हम यहां भी सुखी हैं और वहां भी विजयी हैं। उसे छोड़कर बाकी सब कुछ चाहिए तो माया तो बहुत दौड़ा दौड़ा के मारती है। देखो इसका काम है, खूब दौड़ाएगी, खूब दौड़ाएगी, दौड़ा दौड़ा के पटकेगी और फिर आप थक के निराश हो गए, आखिर यही कहोगे सार नहीं है, इससे तो वही ठीक था। तो भैया आज समझ में आ रही, तो आजकल दौड़ के मार खाने की जरूरत क्या? पटकने की जरूरत क्या है अपने आप को? तो किसी भी हाल एक ही हो प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान मुझे तू प्यारा लगे, जो कोई कर्म हो तेरे लिए, तेरी प्रसन्नता से, हे मेरे ईश्वर तू मुझे प्यारा, हे प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। ये सरल साधन है उसका होने। तो ये तब तक है जब तक कि आपकी दृढ़ मां पुष्ट नहीं हो जाती कि ईश्वर के सिवा कहीं साध नहीं, तब तक ये बच्चे हैं, मन बच्चा है, इसको तब तक सुरक्षा की जरूरत है। जैसे जितना ही परिपक्व हो जाए तो खुशबू फैलाएगा, परिपक्व हो जाए तो छांव देगा, ये कि परिपक्व है तो छांव देगा, इसे परिपक्व होने की आवश्यकता।